हे दोस्तों, फरीदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर रवि सरपंच पर हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा फरीदाबाद के बहुचर्चित शशि नागर हत्याकांड को भी रवि सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसका जन्म फरीदाबाद के मुजेड़ी में 1986 में हुआ था। शुरुआती दौर में रवि और शशि नागर दोस्त हुआ करते थे, पर प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद की वजह से दोनों अलग हो गए तथा दोनों में गैंगवार होने लगा और दोनों एक दूसरे को खत्म करने का प्लान बनाने लगे। 22 अगस्त 2013 को रवि के एक साथी मनोज की कोर्ट में पेशी थी। मनोज के साथ उसके दो साथी भी मौजूद थे। इसी दौरान मनोज ने शशि नागर को कोर्ट में देखा। मनोज ने तुरंत रवि को फोन किया और उसे भी कोर्ट में बुला लिया। शशि नागर अपने वकील की सीट पर बैठा हुआ था। उसी समय रवि, मनोज व मिंटू उसके पास गए और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद रवि तथा उसके साथी कार में सवार होकर वहां से फरार होकर यमुना घाट पहुंचे। फिर वहां नाव में बैठकर यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए और अपने रिश्तेदार के यहां जाकर छिप गए। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद 29 अगस्त 2013 को एसआईटी ने रवि सरपंच तथा उसके दो साथियों को यूपी के नोएडा स्थित परी चौक से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इन्होंने बताया कि शशि नागर और इनके बीच रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। रवि सरपंच के साथी मनोज को यह खबर मिली थी कि शशि नागर ने यूपी के एक बदमाश को इनकी हत्या करने की सुपारी दी हुई थी। इसके पहले कि शशि नागर अपनी योजना में सफल हो पाता, उससे पहले रवि सरपंच तथा उसके साथियों ने शशि नागर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती की कोर्ट ने रवि सरपंच सहित तीनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी तथा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। शशि मर्डर केस की पैरवी कर रहे शिकायतकर्ता जितेंद्र की भी 10 फरवरी 2015 को गांव घरौंडा में गोलियों से हत्या कर दी गई थी। इस गोलीकांड में जितेंद्र के साथ एक अन्य युवक की भी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड की जाँच CIA बॉर्डर पुलिस कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही रवि सरपंच जमानत पर जेल से बाहर आया है। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है रवि सरपंच मुजेड़ी की कहानी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।